टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर में बहार के मौसम के आ जाने के बाद जिंदगी की सरगर्मियां भरपूर अंदाज से जारी और सारी हैं। आज हम अपने न्यूज बुलेटिन का आगाज ऑफ सीजन मशरूम की काश्तकारी की एक रिपोर्ट से करते हैं कि कैसे उधमपुर के बहन और भाई ने इस कारोबार को फरोग दिया और जिससे इलाके में रोजगार के भी मौके पैदा हो रहे हैं। छः महीने से हम ये क्रॉप उगा रहे हैं। अभी इस रूम में हमारी सेकंड क्रॉप लगी हुई है, तो अभी तक काफ़ी अच्छा बैक वो मिला हुआ, रिजल्ट मिले हुए हैं हमको। तो फायदेमंद है, ऐसे है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी आप मतलब यूटिलाइजेशन इसकी कभी बंद नहीं होगी, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बेसिक नीड है इंसान की। फोकस है कि लेडीज, जो अनएम्प्लॉयड लेडीज है घर में, जो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं, तो मेरा एक फोकस है कि यहाँ पे आपको एक जितना आवर्स आप काम करना चाहते हो आपके हिसाब से आप उतने आवर्स काम कर सकते हो। श्री प्रताप कॉलेज ने नेशनल सर्विस स्कीम के तावन से श्रीनगर में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर रखा है, जिसमें स्टूडेंट्स और इलाके के रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर की रवायती एनवायरनमेंट को तहफ्फुज़ फराहम करना है। इस प्रोग्राम से अब कॉलेज को रिबिल्ट बाय वे ऑफ प्लांटेशन, बाय वे ऑफ डेवलपिंग दीज पार्क्स एंड गार्डन्स अगेन। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी रिक्वेस्ट नॉट ओनली टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बट वी आर थैंकफुल टू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एज वेल। उसमें हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, उन्होंने कुछ मीटिंग्स हमसे ले लिए एंड हमने उनसे तावन मांगा कि हमें आप कुछ फ़ायदा दे दीजिए कॉलेज को रिबिल्ट करने में। एंड वो हम शुक्रगुजार है सोशल फॉरेस्ट्री के, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स बिसाइड जो रूटीन उनका होता है देवदार कावर वगैरह, तो वो हम अब वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया। प्लांटेशन ड्राइव है, इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कॉलेज है उसका जो माहौल है उसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से हम बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं हमारे NSS वॉलंटियर्स की और बहुत सारे स्टूडेंट्स की फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हमारे लिए है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। हमने
हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, बहुत सारे स्पीचेस यहाँ पर हुए और क्विज़ कंपटीशन भी यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन में हिफाजती किट्स तकसीम किए हैं। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लाइव लाइन्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेफ्टी गियर्स। तो क्या क्या दिया गया सेफ्टी गियर्स? सेफ्टी गियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेफ्टी बेल्ट है, हो सकता है कोई गिर जाए, लाइनमैन पोल से गिर जाए, उसके लिए हमारे पास सेफ्टी बेल्ट है जो बिल्कुल ना एकदम इनको हमने सिखाया है कैसे फिट करना है और ये इंसान को बचा सकता है पोल से गिरने से। इसके बगैर, इसके अलावा हमारे पास हेलमेट है जो बिल्कुल ना सर पे कोई चीज़ अगर गिरने वाली हो उससे सर बच सकता है। उसके बाद हमारे पास ग्लव्स भी हैं जो इंसुलेटेड ग्लव्स हैं जो शॉक से बचा सकते हैं। इसके बगैर हमारे पास, इसके अलावा और एक इक्विपमेंट हमारे पास है, 11 kV टेस्टर है, इससे हम लाइन को देख सकते हैं इसमें पावर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल लाइन के करीब लेना है, इसमें इंडक्शन हो जाता है तो ये बजर ऑन हो जाता है इसका। हमारे अभी ये सेफ्टी बेल्ट दिए, बेल्ट दिए और हेलमेट्स दिए, ग्लव्स दिए, ये हमें यूज़ करने ताकि हम सेफ रहे। कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं? अगर लाइन कट हो जाएगी तो आप कैसे हैंग ऑन करोगे और बचने का चांसेस कितना रहेगा आपको इसमें? इसमें हमारे बचने के चांसेस 100% है। ये जो हमारे बेल्ट, इसमें हम हैंग हो सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता पोल से हम स्लिप हो जाते या शॉक की वजह से हमारे पास ग्लव्स नहीं होते थे, ग्लव्स हमें आज दिए गए, इस वजह से हम बहुत अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं। और हैंडीक्राफ्ट की सनत से वाबस्ता आर्ट की नुमाइश श्रीनगर में जारी है, जिसमें सयाहों की एक बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। इन मसनूआत को कश्मीर की सकाफत का अहम हिस्सा समझा जाता है। हमें लगा कि इसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। ट्यूलिप गार्डन भी खुला है सर, तो रिस्पांस भी वेरी गुड था। हमने इसको इसलिए एक्सटेंड किया, पहले फेज़ में हमने 22 आर्टिजन्स को लाया था, अभी सेकंड फेज़ है, इसमें डिफरेंट आर्टिजन्स हैं, तो सक्सेसफुल है। काम भी इनका सर अच्छा खासा चल रहा है, टूरिस्ट आर एंजॉइंग वेरी मच। मेरे ख्याल से ये अच्छा एक अच्छा कदम है कि हैंडीक्राफ्ट, स्टेट हैंडीक्राफ्ट की तरफ से, क्योंकि ये यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर हमारा इन्होंने एग्जीबिशन लगाया हुआ है, क्योंकि इससे तो आर्टिज़न भी बच जाते हैं, इनका थोड़ा भी काम भी चल जाता है, तो इसके लिए हम मतलब स्टेट हैंडीक्राफ्ट की तरफ से मतलब बहुत शुक्रगुजार हैं।
about the stall here. It's even better. It just enhances the beauty of the tulip garden and all around. So overall, it's a great experience. I've really enjoyed my time here. कथूरा के मुकाम पर एक किसान थोंडा सिंह ने मसाला जात के प्रोसेसिंग यूनिट को कायम करके एक मिसाली मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने हल्दी और दूसरे मसाला जात को वन यूनिट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत अपने फूड प्रोसेसिंग कारोबार में एक सनत का मुकाम दे दिया है। साहब ने नारा दिया है भाई किसानों की आमदन को बढ़ाना है, तो हमने उस स्कीम का फ़ायदा उठाया। अभी ये हमने बड़ा यूनिट लगाया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। पहले तो हम छोटा मोटा काम करते थे, अपनी हल्दी प्रोसेस करते थे, थोड़ी बहुत तो गांव गांव में डोर डोर भेजते थे। हम लार्ज स्केल पर जा रहे हैं, इसका किसानों को भी फ़ायदा होगा कि हमारे इलाके में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट डूगा में मेरा पहला PMFME में स्कीम है सरकार की, उसके तहत हमने ये यूनिट लगाया है। बात कर रहे हैं इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं, लगते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट अलाट किया हुआ है जिसकी हम प्रमोशन करेंगे और उस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे, उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करें की जाएगी और इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर होने हैं, तो उनको हम प्रमोट करेंगे। इसमें पहले प्रोडक्शन का पार्ट रहेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग का पार्ट रहेगा। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट 35% सब्सिडी, बैक एंडेड सब्सिडी देती है और हमारे डिस्ट्रिक्ट को इसमें स्पाइस प्रोजेक्ट अलॉट किया हुआ है। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।